बलरामपुर जिले की राजपुर तहसील अपने सुर्खियों में ही रहती है। राजपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता उमेश कुमार झा ने बताया कि तहसील कार्यालय में अस्तित्व में आए 24 साल हो गए, लेकिन यहां सुविधाओं का अभाव हमेशा रहा है। यहां पीने के लिए पानी नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है और ना ही शौचालय है। लोगों की बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झा ने यह भी आरोप लगाया कि राजपुर तहसील में स्टेनो के पद पर अजय यादव पिछले 4 सालों से पदस्थ हैं, लेकिन वह रीडर का काम करता है और अवैध तरीके से ग्रामीणों और पक्षकारों से अवैध रूप से राशि की वसूली करता है। और 95 में पृथक तहसील का निर्माण हुआ, तब से तहसीलदार नियमित रूप से यहाँ पर बैठ रहे हैं यहाँ पर, और लोगों का काम धाम चल रहा है। अभी देख रहा हूँ मैं कि जो 4-5 साल के अंतराल में तहसीलदार का तहसील का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गया है। न यहाँ पर बैठक व्यवस्था है, न पेयजल की कोई व्यवस्था है, और पक्षकार जो दूर दूर से जो आते हैं, जो पार्टी आती हैं, उनके लिए सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था है यहाँ पर। इस समय जब अधिकारी से जब अपन जब बात करते हैं तो हम व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था हम देखते हैं।